हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी लाइफ को और बेटर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो लेट्स मैं आपको आज एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आप अपना पुराना काम या जो भी आप काम करते हैं उसको करते हुए अब और ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं। ठीक है, हमारे कुछ ड्रीम्स होती हैं और कुछ नीड्स होते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है। नीड्स मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारे जो बेसिक नीड्स होती हैं। लेकिन हमारे ड्रीम्स क्या क्या हो सकते हैं? हमारे पास अगर घर है, छोटा घर है, तब बड़ा घर लेना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं। चूँकि आजकल हम लोग जब नौकरी करते हैं या कोई जॉब करते हैं तो अपने घर से दूर रहते हैं, इसलिए हम अपने माँ बाप के साथ नहीं रह पाते आजकल। तो हम लोग आजकल एक ड्रीम हमारा ये भी हो गया कि हम अपने माँ बाप को अपने साथ रख के या हम उनके साथ रहें, ये भी एक ड्रीम बन गया है दोस्तों, माता पिता की सेवा। ठीक, और इसके बाद हम सोचते हैं कि हम इन लोग के साथ घूमने भी जाएं बाहर। और हमारी जो ड्रीम्स होती हैं, हमारे पास खूब पैसा हो, मतलब आर्थिक आज़ादी हो, और समय भी हमारे पास पैसे खर्च करने की खूब समय भी हो, हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो हम दान करने की भी इच्छा रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी इतनी सारी नीड्स एंड ड्रीम्स होते हैं, जबकि जो हमारी इनकम होती है इसके मुकाबले बहुत ही जरा सी होती है, जो कि इतनी छोटी सी। तो कुछ लोग जो कि सोचते हैं कि जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए, तो वो लोग उस मानसिकता के लोग क्या करते हैं, अपने नीड्स एंड ड्रीम्स को छोटा करते करते अपने इनकम को बराबर कर देते हैं। लेकिन अगर आप एम्बिशियस हैं, आप आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो आप के जैसे लोग हमेशा इस इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे और वो किसी न किसी तरीके से इस इनकम को अपने ड्रीम्स और नीड्स सर्किल के बराबर कर लेते हैं दोस्तों। तो मैं आपको आज यही बताने जा रहा हूँ कि आप इस अपने नीड्स और ड्रीम सर्किल को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में जितने भी लोग काम करते हैं वो चार तरीके से करते हैं, या दुनिया में जितने लोग पैसे कमाते हैं वो चार तरीके से कमाते हैं। इसको मैं चार क्वाड्रेंट में बांट देना चाहता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लोग आते हैं, एम्प्लॉयज लोग आते हैं, वो उनके पास एक जॉब होता है, जॉब पे लोग 8 से 10 घंटे काम करते हैं, इससे ज़्यादा काम नहीं करते। दूसरे क्वाड्रेंट में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग आते हैं, इनके पास भी एक अपना जॉब होता है या कोई अपनी शॉप होती है या कोई काम करते हैं लोग, यहाँ भी लोग 8 से 10 घंटे ही काम करते हैं। इसके बाद हम राइट क्वाड्रेंट में आते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं बिग बिजनेस मैन, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक नेटवर्क होता है, एक टेक्नोलॉजी होती है, जिसके माध्यम से ये अपने यहाँ लोगों को हायर परचेज हायर कर लेते हैं, जो कि सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं या जॉब वाले थे उनको अपने हायर कर लेते हैं। इनके यहाँ 10,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। अगर 10,000 लोग 10 घंटे काम करते हैं तो इनके यहाँ 1,00,000 घंटे पर डे होता है काम होता है दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा आता है। और चौथे तरीके से जो लोग पैसा कमाते हैं वो लोग इन्वेस्टर्स कहलाते हैं, ये पैसे से पैसा बनाते हैं, खूब ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इनके लिए मनी ही वर्क करती है दोस्तों। तो देखा जाए तो हम लोग के पास 24 घंटे होते हैं, जिसमें से हम लोग 8 से 10 घंटे ही काम करते हैं, जिसके बदले में हमें पैसा मिलता है। तो देखा जाए तो अगर देखें हम तो इस राइट क्वाड्रेंट में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 10% आते हैं और लेफ्ट क्वाड्रेंट में 90% लोग आते हैं। और देखें वेल्थ के बारे में माने में देखा जाए तो इस बाएं तरफ केवल 10% लोग 10% इनके पास वेल्थ होता है और दाएं तरफ लोगों के पास 90% पैसा होता है। इनकम देखी जाए इनकी तो इनकी इनकम जो है एक्टिव इनकम कहलाती है। एक्टिव इनकम मतलब जब तक हम काम करते हैं तभी तक हमको पैसा मिलता है, उसके बाद जिस दिन से हम काम करना बंद कर देते हैं पैसा आना बंद हो जाता है दोस्तों। और दाहिने तरफ देखा जाए तो यहाँ पे पैसिव इनकम होती है, मतलब ये लोग काम करें चाहे ना करें इनकी इनकम होती रहती है।
या और देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल काम करते हैं, मतलब अब अकेले काम करते हैं, यहाँ पे एक टीम होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो यहाँ पे काम करता है। ये पूरी बात अब मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी जो इनकम होती है, जो आय होती है, उसके दो पार्ट होते हैं, या तो आप अपनी आय को खर्च करते हैं या बचाते हैं। दो पार्ट इसके होते हैं, खर्च करते हैं या बचत करते हैं। खर्च अमूमन कोई भी फैमिली होती है उसकी खर्च जो है, जो इनकम होती है उसकी 80% हो जाती है, और बचत ज़्यादा ज़्यादा 20% करती है। तो हम ये बताना चाहते हैं इसी आप खर्च को, जो खर्च करते हैं इसी से आप पैसा बना सकते हैं। अब तक आप जहाँ से भी खर्च करते हैं क्या वहाँ से कोई आपको रिटर्न मिलता है? जितने का सामान रहता है उतने का ही मिलता है, उसमें कोई छूट नहीं मिलती। तो ये खर्च जो हमारी होती है ये मजबूरी होती है, ये हमको करना ही करना है। इसी के साथ साथ हम लोग ये प्रमोट करते हैं प्रचार। प्रचार हमारी क्या होती, आदत होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी दुकान पे हम जाते हैं, वहाँ का सामान हमें अगर अच्छा लगता है तो हम दूसरे लोगों को भी बताते हैं। तो क्या इस प्रचार के बदले हमें कुछ मिलता है? नहीं मिलता है, वो दुकानदार हमें कुछ भी छूट नहीं देता। तो इन्हीं दोनों ताकतों से हम और पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी? पहली बात तो हमें एम्बिशियस होना पड़ेगा, दूसरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए विलिंग टू चेंज, हमें अपने आप पर बदलाव लाना पड़ेगा, और विलिंग टू लिसन एंड टीचेबल। ये तीनों अगर गुण हमारे अंदर आ जाते हैं तो हम अपना काम करते हुए और इनकम कमा सकते हैं दोस्तों। दो बहुत ही अच्छे दोस्त थे अमेरिकन, जिनका नाम था जे वैन एंडर एंड रिच देवास। इन्होंने एक सर्वे कराया कि मार्केट में जो भी सामान बिकता है वो 100% एमआरपी पे बिकता है, जबकि उसकी एक्चुअल कास्ट केवल 40% होती है। फैक्ट्री में जो भी सामान बनता है उसकी एक्चुअल कास्ट 40% ही होती है, इसमें भी फैक्ट्री का लॉस एंड प्रॉफिट दोनों ऐड रहता है, और हमारे पास या कस्टमर के पास आते आते ये 100% में हो जाता है। तो ये बीच का पैसा जो है, हम लोग जानते हैं जैसा कि बहुत सारे बिचौली होते हैं जो आपस में बांट लेते हैं, इसमें CNF एजेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर्स होते हैं, और इनके साथ साथ एक चीज़ और होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पैसा ये लोग लेते हैं, जो जो कि एडवर्टीजमेंट करते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान हो गए, ये लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं और उसका अच्छा खासा पैसा ये लोग लेते हैं। तो देखा जाए तो 60% पैसा हमारा ये लोग बीच वाले ले लेते हैं। तो इन दोस्तों ने, दोनों दोस्तों ने सोचा, ये बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस 60% पैसे को हम कस्टमर को ही दे दें। इसी पैसे को लेने के लिए आजकल देखते होंगे आप बड़े बड़े मॉल खुलते हैं जहाँ पे आपको 10 से 20% छूट मिलता है, और बाकी 40% पैसा वो लोग खुद रख लेते हैं। इसी पैसे को लेने के लिए आजकल ऑनलाइन एक सिस्टम चल, जिसको हम लोग ई शॉपिंग कहते हैं, इसमें भी आपको 20% छूट मिलता है और बाकी 40% ये लोग ले लेते हैं। और 20% छूट किस सामान पे मिलता है? जो पुराना सामान होता है, जो स्टॉक में ज़्यादा रह जाता है उसी पे मिलता है, नए सामान पे आपको कोई छूट नहीं मिलती है दोस्तों। इन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ से सामान, हमारे डिपो से सामान खरीदिए, हम आपको जो आपका 60% पैसा है इसको लौटा देंगे। इंटरेस्ट कैसे लौटाएंगे दोस्तों? 60% पैसा ये लोग लौटाएंगे तो कैसे लौटाएंगे? इन्होंने कहा 60% पैसा हम आपको देंगे, आप हमारे यहाँ से जो है जब जैसे ही सामान खरीदेंगे तो 5 से 8% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, 100 रुपये एक सामान पे 5 से 8 रुपये आपको डिस्काउंट मिल जाता है। 5 से 8 रुपये तक का हम आपको कैश बैक देते हैं जो कि आपके अकाउंट में जाता है। ठीक, और 6 से 21% हम आपको परफॉर्मेंस बोनस, या जो आप प्रचार करेंगे हमारे सामान का, उसका देंगे हम 6 से 21% तक। इसके बाद लीडरशिप बोनस 6% देंगे हम, 4% जो है रॉयल्टी मिलती है,
जो कि 3 पुस्तों तक जाती है, ठीक है। और बाकी जो बचता है 15 से 18% तक, ये आपका GST आजकल आ गया है या टैक्स में चला जाता है। इस तरह से आपका 60% पैसा ये हमें लौटा देते हैं। इसमें आपको करना क्या है, ये आप जो भी काम करते हैं उसमें से केवल आपको 2 घंटे निकालना, उस 2 घंटे में आपको जो है इस बिजनेस को सीखना है और इसके सामान को प्रयोग करना है। दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी बिजनेस अगर करते हैं तो उसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है आपको, और कोई कोई दुकान रखनी पड़ती है, माल को ले आना ले जाना पड़ता है, बहुत सारी कानूनी अड़चने आती हैं जिसको झेलना आपको पड़ता है। और कोई भी बिजनेसमैन आपको ये नहीं बताता कि बिजनेस कैसे किया जाए, वो केवल आपको माल दे देता है, आपको फ्रेंचाइजी दे देता है और सारा सिस्टम आपको लगाना पड़ता है, सारा काम आपको करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हमारी कंपनी कहती है कि हम आप यहाँ पे प्रोज्यूमर बनाते हैं। प्रोज्यूमर मीन्स यहाँ पे प्रोज्यूमर बिजनेस जो होता है, यहाँ पे नो कैपिटल, कोई भी बड़े कैपिटल की जरूरत नहीं होगी आपको, नो ओवरहेड एक्सपेंसेस, कोई भी ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत नहीं होगी। पार्ट टाइम होगा, आप इसे पार्ट टाइम कर सकते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल, चाहे जब कर सकते हैं इसको, रात में, सुबह, दोपहर, शाम, चाहे जब इसको कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी खासियत है, हाई इनकम पोटेंशियल होता है, मतलब इससे बहुत ज़्यादा हम इनकम कमा सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी खूबियाँ हैं। और प्रोज्यूमर का मतलब होता है अपने उद्योग के या अपने व्यवसाय के माल को खुद प्रयोग करना और लोगों को उसको शेयर करना, उसके बारे में लोगों को बताना। दोस्तों इन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ से सामान खरीदेंगे तो हम आपको ये सारे फायदे देंगे। तो जो फैक्ट्री है और इनका एक सिस्टम है जो आपको बिजनेस करना सिखाता है, ये आपको सीडीज, बुक्स, सेमिनार्स, मीटिंग्स एंड फंक्शन से आपको जो है ये बिजनेस करना सिखाया जाता है। तो ये फैक्ट्री और ये सिस्टम है और आप यहाँ पे, तो ना तो फैक्ट्री आपको जानती है ना सिस्टम आपको जानता है, तो कोई ना कोई आपको इन दोनों से कनेक्ट कराएगा, जो कि यहाँ पे आएगा उसको स्पॉन्सर कहा जाता है दोस्तों। स्पॉन्सर फैक्ट्री से भी कनेक्ट होता है, सिस्टम से, तो वो आपको इनसे कनेक्ट कर देंगे। और इनके भी ऊपर होता है, टीम होती है जो आपको बिजनेस करने में हेल्प करती है, अपने देश में के साथ साथ दूसरे देशों में, विदेशों में भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, आप इनसे जुड़ जाते हैं। जैसे आप इससे जुड़ते हैं आपको एक जो है नंबर मिल जाता है, आप जो है इससे खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों सभी के घरों में हर महीने कुछ ना कुछ खरीदारी होती है, मान लेते हैं कि आप हर महीने 10,000 की खरीदारी करते हैं, यहाँ से सामान खरीदते हैं और यहाँ से सीखते हैं। तो इन्होंने एक जो है टेबल बना रखा है, ये 621% का 100 rupees इज इक्वल टू होता 1 PV, या परसेंटेज और ये PV। अगर आप 100 रुपये 100 PV का, मतलब 10,000 का सामान खरीदते हैं तो आपको 6% बोनस मिलता है। 500 PV का सामान खरीदते हैं, मतलब 50,000 का, तो आपको 9%। 1200 PV का खरीदते हैं तो 11%। 2400 PV का खरीदते हैं तो 13%। 4000 PV का खरीदते हैं तो 15%। 7000 PV का खरीदते हैं तो 18%। और 10,000 PV, मतलब 10,00,000 का सामान खरीदते हैं तो 21% जो है आपको बोनस मिलता है। दोस्तों आपने 10,000 का सामान खरीदा, आप यहाँ पे अकेले हैं, आपने अकेले काम किया, 2 घंटे काम किया, 10,000 का सामान आपने खरीदा, तो इनटू मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 10,000 पे 6% आता है, इसका आपका 600 रुपया आ जाएगा, प्लस 1200 रुपया आपका ये डिस्काउंट और कैशबैक, ये दोनों जोड़ के लगभग 1200 रुपया आपको और मिल जाता है। दोस्तों आपको सामान अच्छा लगा, जैसा कि आपकी आदत होती है, आप लोगों से शेयर करते हैं, मान लीजिए आपके साथ जो है 6 लोग आ जाते हैं, ये लोग यहाँ से सामान खरीदते हैं और सिस्टम से सीखते हैं, टोटल
टोटल आप लोग 7 लोग हो जाते हैं, टोटल 14 घंटे काम होता है और 70,000 का खरीदारी होती है दोस्तों। 70,000 पे देखेंगे तो इनका जो लेवल है 70,000 पे आप पहुंच जाते हैं 9% पे, तो 9% बनता है दोस्तों परफॉर्मेंस बोनस, लेकिन 9% में इनको 6% यहाँ भी बन जाता है और बाकी जो टोटल बिजनेस होता है वो डिफरेंस आपको मिलता है। तो 6% इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा 3% दोस्तों। तो 70,000 का 3% लगभग 2100 रुपया होता है, प्लस 1200 रुपया आपने जो खरीदारी की थी, ये दोनों मिला के लगभग 3500 रुपये होता है। फिर इसको और आगे ले चलते हैं थोड़ा, इन लोग को भी सामान अच्छा लगता है, ये लोग भी शेयर करते हैं, इन लोग के साथ भी 4-4 लोग आ जाते हैं मान लीजिए, तो 31 लोग हो जाएंगे और टोटल आवर हो जाएंगे 62 आवर, और टोटल जो बिजनेस हो जाएगा 31 पे 3,10,000 का इंटू, अब देखते हैं 3,10,000 पे कितना परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, तो ये 13% होता लगभग, तो 13% में से माइनस 9% करेंगे तो 4% बचता है। तो 3,10,000 का 4% लगभग 12,000 रुपया, प्लस 1200 रुपया आपका और लगभग 13,200 रुपया आपको यहाँ पे इनकम होती है। फिर आगे एक स्टेप और चलते हैं, इन लोग के साथ भी मान लीजिए 3-3 लोग ही आते हैं, ये लोग सामान यहाँ से खरीदते हैं और सिस्टम से सीखते हैं। यहाँ पे टोटल अगर काउंट करेंगे तो हम 103 लोग हो जाएंगे, यहाँ आप देखते हैं 206 घंटे काम होता है और 10,30,000 का आपका बिजनेस होता है। 10,30,000 को देखते हैं तो हम इस बिजनेस लेवल पहुँच जाते हैं 21% पे, 21 में से 11% माइनस करते हैं, इन लोग यहाँ तक आते जाते 11% बढ़ जाता है तो 10% बचता है। तो 10,30,000 का कम से कम देखेंगे तो 1,00,000 रुपया जो है आपको ये मिलता है, प्लस 1200 रुपया आपका और, तो 1,00,000 प्लस आपको इनकम यहाँ पे होने लगती है। अब आप कहेंगे कि इनका सामान कैसा है, तो मैं थोड़ी सी कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। इस कंपनी का नाम जो है एमवे है, जो कि 1959 से अमेरिका में काम करी दोस्तों, ठीक है, और 1998 से आज से 20 साल से यहाँ पे इंडिया में काम करी। लोग कहते हैं कंपनी भाग गई, तो अगर 20 साल से यहाँ पे काम करी इसका मतलब ये कंपनी में कुछ तो दम है, तभी तो यहाँ पे रुकी हुई है, इसलिए कंपनी भागने वाली नहीं दोस्तों। और यहाँ पे 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, जिसके 1000 से ज़्यादा पेटेंट्स हैं, 1000 लगभग साइंटिस्ट भी इसमें काम करे, ऐसे WHO से 11 बार ये अवार्डेड हो चुकी है दोस्तों। आज तक ये 2,000 करोड़ रुपये का बिजनेस कर चुकी है दोस्तों इस तरह से। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इसके प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ क्या हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी देखेंगे दोस्तों, ये इसके प्रोडक्ट जो है 100% जो है नेचुरल है, मतलब ये हमेशा पेड़ पौधों या प्राकृतिक चीज़ों से इसके प्रोडक्ट बने हुए हैं, 100% प्योर, मतलब इनके प्रोडक्ट में कभी भी कोई मिलावट आपको नहीं मिलेगी, 100% मनी बैक विथ सेटिस्फैक्शन गारंटी, मतलब आप सामान को ले जाइए 30 दिन तक यूज करिए या 30% तक यूज करिए, आपको सामान अच्छा नहीं लगता है आप सामान वापस कर दीजिए और अपना पूरा पैसा टैक्स वगैरह घटा के आप ले सकते हैं दोस्तों। और आजकल की जो समस्या है, ये सारे प्रोडक्ट इनके इको फ्रेंडली हैं। आजकल हम लोग पर्यावरण के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, अगर इनके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो हम अपने पर्यावरण के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करते हैं। इसके सारे प्रोडक्ट पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते, ना तो आपको नुकसान पहुँचाते हैं और ना ही आपके पर्यावरण को। और दोस्तों बायोडिग्रेडेबल भी हैं, मतलब फिर से ये जमीन में मिक्स हो सकते हैं, इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वेस्ट होते हैं। अब मैं आप बताना चाहता हूँ इसके प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं। इसके प्रोडक्ट होम केयर के प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट इसमें आते हैं, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट आते हैं, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट आते हैं इसके दोस्तों। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट इसके बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, जो कि हमें बहुत ही अच्छी फायदे पहुंचाते हैं। उसके बाद एग्री केयर के प्रोडक्ट हैं, कुकवेयर प्रोडक्ट जो है ये 30 ईयर जो है वारंटी के साथ आता है और 0 ऑयल पे इसमें खाना बना सकते हैं।
जीरो आई पी इसमें था हमारे साथ, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें आते हैं जो कि बहुत ही अच्छी है। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ आपको इसमें कनेक्ट होने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस करें तो आपको 18 साल की एज का होना चाहिए, आपके पास पैन नंबर होना चाहिए, आपके पास ईमेल मोबाइल नंबर ये होना चाहिए, और आप डिटेल होना चाहिए दोस्तों। इस तरह से आप इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। और ज्वाइनिंग फी के बारे में बात करें, ज्वाइन फी जो है इसका फ्री है, फ्री आप कास्ट जो है ₹0, मतलब आप इसमें फ्री में इसमें जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम जो है 10,000, आप 10,000 का खरीदारी करते हैं, इस 10,000 को कोई जरूरी नहीं आप अकेले खरीदें, आप लोगों को सामान इतने अच्छे की शेयर कर सकते हैं जिससे आपको शॉप की भी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती दोस्तों। थैंक यू दोस्तों मेरे इस प्लान को देखते हुए, अगर आपको ये प्लान पसंद आया हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों।